देखो जब बिगिनर वाली बात होती है तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी बच्चे सीधा सेल्स में एंट्री पास करना शुरू कर देते हैं या बिना पैसा रिसीव कराए ही एंट्री पास कर देते हैं, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। नई कंपनी बनाने के लिए हमको क्या प्रेस करना है, F3। F3 प्रेस करते हैं, यहाँ क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर कंपनी का नाम देना है, जैसे सपोज कीजिए विजय स्टोर कर देते हैं, ये कंपनी का नाम है, और एंटर करके यहाँ पे आते हैं, एड्रेस वगैरह डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस है। तो यहाँ पे क्लिक करके ये एड्रेस हो गया, और यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी है। क्या कोड होता है उत्तर प्रदेश का, 9 होता है, तो ये अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पिन कोड वगैरह बाकी डाल वाल के फिर यहाँ पे एंटर एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, इंडियन करेंसी आपको दिख ही रही है, ये हो गया। अभी कंट्रोल ए कर देते हैं यहाँ पर, तो ये कंपनी एक बन गई विजय स्टोर। अब अगर मान लीजिए कि आप एंट्री पास करने जाते हैं टैली में, तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि आप सीधा कहाँ चले जाते हैं, परचेज में। ठीक है, तो यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर अभी आपको एक सप्लायर से बिल मिलेगा जिसकी एंट्री आप यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर ये रहा और 1 अप्रैल को ही ये खरीदारी हुई। यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी कौन है, तो यहाँ पे अल्ट सी करके या यहाँ क्रिएट जो दिया हुआ है ना, ये जो क्रिएट दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करके लेजर बना सकते हैं। किसका बनाएंगे, क्रेडिटर पार्टी का। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं गौरव नाम से। ठीक है, GAURAV, गौरव नाम से एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे तो हम सी लिख सकते हैं पहचान के लिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी, क्योंकि बहुत सारे लेजर्स हो जाएंगे तो उसमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप चूज करेंगे, तो ये तो बहुत आसान है, ये कर लिया। और ये ध्यान रखिएगा, ये मेंटेन बैलेंस, ये एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बहुत जरूरी है, ये ऑप्शन चालू रहना। ये कहाँ से चालू होता है, ये थोड़ा सा बैक आएंगे, यहाँ से बैक आते हैं, ये जब हम यहाँ से F11, ये देखिए, ये देख रहे हैं इनेबल बिल वाइज एंट्री, अगर इसको नो कर दें हम यहाँ से तो वो नहीं आएगा, फिर परचेज में एंट्री हम पास करेंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तब दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमेशा ऑन रहे इसके लिए ज़रूरी है कि उसको आप वहाँ से वो ऑप्शन ऑन कर दीजिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी हम बनाएंगे तो यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं आएगा। जैसे हमने गौरव बनाया था ना, गौरव पी करके बनाया था, गौरव पी हो जाएगा क्रेडिटर। अब यहाँ पर आए तो वो ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो देखिए ना यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, आ रहा है तो फिर एडजस्टमेंट में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से उसको ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम ऑन ही रखेंगे, ऑफ नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चल के इसको ऑन कर लेते हैं, ये बिल वाइज एंट्री, ये ऑन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको ऑन रख करके तब काम कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वी प्रेस करके आइए। अब यहाँ पर जब परचेज में एंट्री पास करेंगे तो ये एंट्री पास हो जाएगी, लेकिन समस्याएं क्या क्या आएंगी उसके बारे में भी डिस्कस करना है, तो उसको भी देखेंगे हम। यहाँ पे गौरव नाम से जो बना रहे थे उसको कंप्लीट कर देते हैं, ये गौरव की एंटर करेंगे। इसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ये ग्रुप का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब हो गया, आप एंटर वगैरह करके और ये सब एक्सेप्ट करा लीजिए। पैन नंबर वगैरह भर सकते हैं तो भर लीजिएगा, वैसे मैं छोड़ देता हूँ, GSTIN वगैरह भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ परचेज का एक लेज़र आएगा, तो यहाँ करेंगे PURCHASE परचेज, अकाउंट कर लेंगे, ये हो गया। और यहाँ ग्रुप क्या रहेगा, परचेज का ही ग्रुप भी रहेगा, तो ये परचेज अकाउंट का ग्रुप यहाँ डाल दीजिए और एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर सीधा हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तो कौन कौन से सामानों की लिस्ट वो हमें दे गया है, जो हमारा होलसेलर पार्टी है जहाँ से हम सामान परचेज करके लाए हैं, वो कौन कौन सी सामानों की लिस्ट दे गया है उसको देखना है। तो करके यहाँ पर उन सामानों की लिस्ट बनानी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुगर, ठीक है, कितना दिया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए यूनिट जरूर बनाइएगा, यहाँ से जाके यूनिट बनाइएगा, तो यहाँ केजी कर लेते हैं, केजी एंटर करेंगे, और यहाँ किलो कर लेंगे, किलो ग्राम एंटर करेंगे। यहाँ UQC कोड आएगा, UQC कोड का मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी कोड, तो यहाँ पे के करेंगे ना प्रेस तो किलोग्राम आ जाएगा, तो ये हमारा UQC कोड हो गया। अब यहाँ 3 कर देंगे क्योंकि आधा किलो बेचना होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम खरीद या बेच नहीं सकते, तो इसलिए 3 कर देंगे, तो वहाँ पे आधा किलो अमाउंट ले लेगा। अब देखिए क्वांटिटी में आ गया, तो मान लीजिए 60 किलो चीनी आप परचेस करके लाए और 1 किलो चीनी आपको खरीद रेट पड़ी 35 रुपए, तो
तो आप बेचेंगे तो जब भी बेचेंगे तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो स्टॉक आइटम है उसको भी बना लेते हैं आर्ट सी करके। जैसे मान लीजिए दूसरा स्टॉक आइटम है आरआईसी, राइस हो गया, यहाँ पे आए, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे किलो ऑलरेडी बना हुआ है तो ये हमको बनाने की जरूरत भी नहीं है, एंटर करेंगे ये हो गया। अब मान लीजिए 50 किलो आपने चावल परचेस किया और परचेस करके लाए, और किस रेट से लाए, तो यहाँ पे 40 रुपए के रेट से लाए, 40 रुपए का लाए हैं तो उससे ज्यादा का ही सेल करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद आटा ये दे दिया, यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे ये भी किलो में ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 किलो की प्राइस पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 किलो की प्राइस कितनी है, सपोज कीजिए 25 रुपए, ठीक है, और 25 किलो क्वांटिटी हमने ले लिया और 1 किलो की प्राइस कितनी रही, 25 रुपए, तो उसके हिसाब से 25 किलो की क्वांटिटी वहां पे प्राइस आ गई। तो इस तरीके से ये करना है, ठीक है। एक और आइटम ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे ले लेते हैं बेसन, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पर आएंगे तो ये किलो रहेगा, यहाँ पर नीचे आएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि 20 किलो बेसन की बात हो रही है, 1 किलो बेसन कितने का, 120 रुपए का खरीद रेट, तो इसके हिसाब से ये आ गया। तो सारी चीजें तो आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे नरेशन डाल के इसको एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। अभी हम लोग जीएसटी पे बात नहीं करेंगे, 4-5 दिन के बाद, हम लोग 10 दिन के बाद जीएसटी पे बात करेंगे, ठीक है। तो द गुड्स, अच्छा ये बताइए, यहाँ क्रेडिटर पार्टी का नाम आया है तो आप क्या समझते हैं इससे, ये परचेजिंग जो है उधार की परचेजिंग है, जब क्रेडिटर पार्टी का नाम आ जाएगा तो उधार की बात हो रही है, ठीक है। नरेशन डाल देते हैं, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, URCHASED हो गया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया, तो ये हो गया आपका काम, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हो गया, लेकिन अब इसका पेमेंट भी तो देना है, तो डेट चेंज करेंगे, ठीक है। डेट कैसे चेंज होगा, F2 प्रेस करके, F2 जो है शॉर्टकट की होती है डेट चेंज करने की, ठीक है। तो F2 प्रेस कर दिया हमने, और F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट आप चेंज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 1 मई को पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 मई 2023 कर देंगे, डेट चेंज हो जाएगी। देखिए 1 मई आ गया, यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करना है, F5 प्रेस करके कहाँ जाना है, पेमेंट वाउचर में। अब यहाँ पर डेबिट आ रहा है, तो यहाँ किसका लेजर आएगा, गौरव का आएगा, क्योंकि इन्हीं को पेमेंट तो देना है, तो ये आ गया। अब देखिए इनका कितना बकाया है, 7125 रुपए, हम इनको 7000 देंगे, 125 रुपए बकाया रखेंगे, फर्दर बाद में देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 7000 रुपए दे दिया, एंटर किया। तो जैसे ही हमने एंटर किया, तो देखिए बिल वाइज एंट्री का क्या मतलब ये है कि यहाँ पर ये 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज आ रही है। अगर आप एडवांस देते हो तो एडवांस, अगर किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हो तो कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ AGST रेफरेंस पे आ जाता है, और अगर नया बिल है तो न्यू रेफरेंस पे चला जाएगा। ऑन अकाउंट विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे क्रेडिट, कैश में पैसा देना है या बैंक से देना है, तो फिलहाल हमने बैंक का कोई लेजर क्रिएट नहीं किया है, तो हम कैश में ही दे देंगे, और कैश का लेजर बनता नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेड में क्यों आ रहा है, क्योंकि कैश की शॉर्टेज है ना, कैश हमारे पास है नहीं, कंपनी में हमने कैश रिसीव ही नहीं कराया, ठीक है, जिसकी वजह से ये रेड में आ रहा है, और ये रॉन्ग एंट्री मानी जाती है टैली में। तो ये गलती ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले ही कैश रिसीव करा लीजिए, अगर बाद में कराएंगे तो ये दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आप जैसे मान लीजिए आपने एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया, तो देखिए यहाँ नेगेटिव कैश की वार्निंग भी आ रही है, देख रहे हैं। तो अब एंटर करके मान लीजिए अगर आपने एक्सेप्ट भी करा दिया हो, तो इसका क्या विकल्प है, इसके लिए विकल्प ये है कि आप बैक डेट में चले जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए F2 किया और यहाँ कर देते हैं 1/4/2023, बैक डेट में जाइए और बैक डेट में जा करके पैसा रिसीव करा दीजिए, और रिसीव करा देंगे तो देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव कैश आ रहा है, जब भी आप इसको ओपन करेंगे एंट्री को ना, तो देखिए ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर डेट चेंज कर देते हैं 1/4/2023 से कहाँ तक जाना है हमको, 1/8/2023 कर देते हैं, दोनों एंट्रीज आ रही हैं। तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद यहाँ 7000 माइनस में दिखा रहा है ना, ये चीज अपने आप प्लस में हो जाएगी जब आप एडजस्टमेंट करेंगे इसका। तो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, देखिए यहाँ V बटन प्रेस किया और यहाँ आ गए हम, लेकिन अभी जाना है रिसिप्ट में, तो F6 प्रेस करके रिसिप्ट में आ गए, एंटर किया। यहां पर क्या करना है, यहां पर हमको कैपिटल का एक लेजर इंसर्ट करना है, कैपिटल CAPITAL, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहां कैपिटल चूज करेंगे, ये देखो ये हो गया,
हुआ, और यहां पे कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी देना होगा, ठीक है। ये मान लीजिए इतना कैपिटल आप दे रहे हैं, ठीक है, और ये कैश में आ रहा है, तो कंपनी में लगाया जाने वाले फंड को कैपिटल ही बोलते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं वो एंट्री जिसमें नेगेटिव कैश दिखा रहा था वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ डेट चेंज करना होगा। हो गया, अब नेगेटिव वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है यही देखना है। नेगेटिव आ रहा है, हट गया ना, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। सिस्टम ऑन कीजिए।